का भी उद्देश्य क्या है, उसका सेंट्रल, उसके सेंट्रल थीम क्या है, उसका सेंट्रल थीम है कि भाई आप बच्चे की सुरक्षा है। स्कूल में क्या है, स्कूल का सेंट्रल थीम क्या, आपको पढ़ना है सीखना है ताकि आगे जाकर उसको बेचे और उससे पैसा कमाए। घर का क्या है सेंट्रल थीम, घर का सेंट्रल थीम है कि उसको सोच दी जाती है कि ये लोग मेरे हैं, ये घर मेरा है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये उसको सोच दी जाती है। तो ये जो सोच है ना, ये जो सेंट्रल थीम है कैसे बनती है, ये थोड़ा समझिए, क्योंकि ये मुद्दा हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए, बचपन में हमें एक नरेटिव दिया जाता है जिसको हम स्टोरी कहते हैं अंग्रेजी में। हर किसी की एक स्टोरी है और ये स्टोरी को लेकर ही व्यक्ति जीता है। और गीता, ये जो श्लोक है, ये गीता की स्टोरी है। इस यहाँ तक पहुंचना है हमको, ये नरेटिव तक आना है। ये नरेटिव तक नहीं आएंगे तो रिजल्ट बहुत अलग हो जाएगा, और ये नरेटिव पर आएंगे तो रिजल्ट बहुत अलग है। तो दोनों तरफ से मैं बताऊंगा आपको आज, और दो बहुत सुंदर स्टोरी जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी में कहीं ना कहीं ये जो दो मुद्दे हैं बहुत क्लियर इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे देखिए, बचपन में हमको बचपन से एक स्टोरी सुनाई जाती है और वो स्टोरी जीवन भर लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम में से कई लोग हैं जो आज भी डरते हैं रात के अंधेरे से, क्यों? क्योंकि बचपन में एक नरेटिव, एक स्टोरी हमको सुनाई गई थी कि भाई भूत होता है ना, वो भूत पकड़ता है, भूत तकलीफ देता है। ठीक है, देता होगा, है भूत भी है, क्योंकि भागवत में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि भाई 84 लाख योनि में वो भी एक शरीर है, वो है, वो वास्तविकता है। लेकिन हमको कभी ये बताया गया क्या, कभी हमारे अंदर ये नरेटिव डाला गया क्या कि भाई भूत अगर पकड़ ले तो उससे निकलने के भी तरीके हैं। लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, डर, लोग डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका नरेटिव, आप क्या होगा, आप क्या होगा, तो वो मन सोचते रहता आप क्या होगा, आप क्या होगा। उसको ये नरेटिव आज तक नहीं मिला कि भाई हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है। ये नरेटिव कभी हमने डेवलप नहीं किया, या हमारे माता पिता ने ये नरेटिव हमको कभी दिया नहीं। अब हम उनको दोष नहीं दे रहे, उनकी जितनी सोच थी वो उन्होंने किया। मुद्दा क्या है कि हम में से हर कोई इस नरेटिव को लेकर जीवन भर चलता है और उसी के अनुसार जीता भी है, उसी डर को लेकर, उसी थॉट प्रोसेस को लेकर, क्योंकि वही स्टोरी बार 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 रोज 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 वही स्टोरी जीता है। उसको वो स्टोरी बदलनी पड़ेगी, उसको वो नरेटिव बदलना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो स्टोरी जो है, ये जो नरेटिव होता है, ये जो हमारी सोच होती है, ये हमें क्यों दी जाती है? क्योंकि हम किसी चीज को, वस्तु को, जगह को, व्यक्ति को देखते हैं तो उससे कुछ सेंस बनना चाहिए मेरा। माने जैसे हमने उदाहरण लिया भूत, भूत का मेरा सेंस क्या है? भयंकर है, घातक है, डेंजरस है, ये भी एक है, लेकिन उसको निकाला भी जा सकता है, ये भी एक उसका सेंस है। तो इस दुनिया में जीने के लिए, उसका सेंस बनाने के लिए मुझे एक स्टोरी देनी पड़ती है, जो देनी ही पड़ेगी, उसके बगैर नहीं चलता, वो स्टोरी देनी पड़ती है। तो ये जो स्टोरी है, इस दुनिया में सेंस बनाने के लिए दी जाती है कि भाई अच्छा इससे ये समझना है, इससे ये समझना है। और हमारी, हमारा जो नरेटिव है, हमारी जो स्टोरी है, हमें इस दुनिया को समझने में मदद करती है, अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो मुद्दा ये है कि हमारी स्टोरी हमारी समझ बन जाती है और उसी के आधार पर हम हमारा जीवन जीते हैं। तो जैसे हमारी एक स्टोरी है ना, तो वैसे हम जिन जिन के साथ जीते हैं उन सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। और दो लोग अपनी अपनी स्टोरी लेकर जब एक साथ आते हैं ना, एक अगर स्टोरी मैच हो गई, अंडरस्टैंडिंग मैच हो गई, तो बहुत बढ़िया, तो लाइफ थोड़ा सॉर्टेड है। लेकिन दोनों की स्टोरीज अगर अलग अलग है तो भैया बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होने वाले, बहुत बड़े प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टोरी लेकर जी रहे हैं। ये मतभेद झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों की स्टोरी अलग है, बहुत अलग है दोनों की स्टोरी। ये दो, एक की स्टोरी दूसरे को सेंस नहीं करेगी, पहले की स्टोरी दूसरे को सेंस नहीं करेगी। तो स्टोरी अलग है, ये स्टोरी को लेकर चल रहा है व्यक्ति। तो सेंट्रल थीम क्या है कि जीवन हमारे, हमने जो स्टोरी सुनी है उसके आधार पर हम हमारे जीवन के उद्देश्य को तय कर चुके हैं या बना चुके हैं, और उसी को हम, और उसी को लेकर हम क्या करते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब ये देखिए, जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर एक फैमिली है और वो फैमिली में तीन ही लोग हैं, पिताजी, हस्बैंड वाइफ और बेटी, और वो हस्बैंड के मदर है।
चार। तो वो जो घर की माँ है, माने वो जो वाइफ है उनकी, तो उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, हेल्थ इश्यूज, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा ही होता है। तो फिर हमने पूछा क्या क्या, तो बाद में फिर पता चला कि भाई ये जो माता जी है, इनका चाइल्डहुड एक ट्रॉमा है, एक इवेंट हुआ जो उनके पिताजी जल्दी गुजर गए, और जल्दी गुजर गए तो उनको लाइफ में एक ट्रॉमा है, एक पीड़ा है उनके मन, और उस पीड़ा को लेकर वो अपनी अब देखिए ये स्टोरी है, ये स्टोरी उन्होंने पकड़ कर रखी कि भाई मेरे मेरे पास सपोर्ट नहीं है, ये स्टोरी बन गई ना उनके, वो इवेंट के बाद उनकी स्टोरी बन गई। अब स्टोरी बन गई तो वो उसी स्टोरी को ले, अब वो कहाँ तक रिफ्लेक्ट होगी, वो इतनी रिफ्लेक्ट हो रही है, इतनी रिफ्लेक्ट हो रही है कि उनका कहना है कि उन्होंने क्या किया, अपनी सारी ताकत अपनी बेटी में लगा दी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बेटी के साथ में, मेरी बेटी को इतना दूंगी इतना दूंगी इतना दूंगी कि फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए ये स्टोरी, ये नरेटिव कहाँ तक अच्छी है, कितनी सही है ये स्टोरी, कितनी सही है ये नरेटिव, कि इस तरह से जीवन जिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नरेटिव कहीं ना कहीं आकर अटक जाएगा। तो हर, और पति का नरेटिव क्या, पति सब कुछ है, करने की क्या जरूरत है, क्यों इतना लड़की को भगाती हो? दोनों का एग्जैक्ट अपोजिट नरेटिव है, एक इवेंट, एक व्यक्ति को लेकर, एक बच्ची को लेकर। पिता कहते ठीक है जैसे चल रहा चल रहा, हमारे पास है बच्ची कम पड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, भागे थे नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टोरीज में जी रहे, और ये स्टोरी हमारे लाइफ को बहुत अलग मोड़ पर लेकर जाती है। क्योंकि स्टोरी का मतलब क्या, हमने जो सेंट्रल थीम ली ना जीने की, वो अलग अलग, मैं किसके लिए जीऊंगी, इसके लिए जीऊंगी। पिता कहता नहीं वो उसका उसका जी लेगी, तुमको क्यों जीना भाई, तुम तुम्हारे लिए भी जियो, जैसे दूसरों के लिए जीते हो तो खुद के लिए भी जियो। क्यों? क्योंकि उसका नरेटिव अलग है, उसका थीम अलग है, उसका सेंट्रल थीम अलग है। तो इस तरह से संसार में जीते जीते क्या होता है ना, कि ये जो अच्छे बुरे समय आते हैं, उन अच्छे बुरे समय को भी हम इस स्टोरी के माध्यम से ही जीते हैं, तो स्टोरी को सामने रखकर हम हमारे जीवन को जीते हैं, क्योंकि वो स्टोरी हमारा सहारा है, और वो सहारा लेते लेते वहां से हमको, क्योंकि उस स्टोरी को हमने शरणागति, जैसे यहाँ पर मामेव ये प्रपद्यते, कृष्ण कह रहे हैं उसने मेरी शरणागति ली, उसने मुझे शरण, हम वो स्टोरी को शरण गए, हमारा प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम समझिए आप, हम उस स्टोरी को शरण जा चुके, उसको पकड़कर चल रहे हैं हमारे जीवन को, जो कि सबसे गलत तरीका है जीवन जीने का। और अभी होता क्या है, इसके कारण दो मानसिकताएं बनती है, जैसी स्टोरी है उसके अनुसार दो मानसिकताएं देखी जाती है। एक मानसिकता होती है अबेंडेंस वाली, अबेंडेंस वाले प्रचुर सब कुछ है मेरे पास, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन पक्का आ जाएगा, उसको अबेंडेंस कहते हैं, अबेंडेंस मतलब आ जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, है मेरे पास, मैं कर लूंगा, इसको अबेंडेंस कहते हैं। दूसरी एक मानसिकता जिसको स्केयरसिटी कहते हैं, स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी है, मैं अच्छा स्टूडेंट हूं कि नहीं, मैं इतना पढ़ाई करता हूं तो मैं पास हूंगा कि नहीं, ये स्केयरसिटी माइंडसेट है, ये फियर पर बेस्ड है। और ये जो फियर वाला जो स्केयरसिटी माइंडसेट है ना, वो कई फसाद, वो हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर जगह पर आपको तकलीफ देगा, क्योंकि वो माइंडसेट, वो स्टोरी, वो नरेटिव आपकी सारी एनर्जी खींच लेगा। ये लोग बहुत मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते, लेकिन इनके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि इनकी स्टोरी गलत है, इनकी माइंडसेट स्केयरसिटी वाली, ये इनको कभी पैसा टिकेगा नहीं, आएगा बहुत लेकिन टिकेगा नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका नरेटिव गलत है, इनकी स्टोरी गलत है। ओके, तो अब ये जो अबेंडेंस माइंडसेट है, अबेंडेंस में का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास आज नहीं है तो कल मेहनत करके मैं पा लूंगा, लेकिन आएगा पक्का, ये उसकी मानसिकता होती है। तो उसकी मानसिकता में क्या होता है कि मिलेगा मुझे, और मिलने के बाद मैं दूंगा भी दूसरों को। ये स्केयरसिटी माइंडसेट क्या है, सेल्फ डाउट होता है, मिलेगा क्या, सब ठीक होगा क्या, सब अच्छा होगा क्या, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये स्केयरसिटी माइंडसेट, ये डर वाला माइंडसेट है। और इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है दूसरों पर, तो व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड रहने लगता है, और जो व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड रहता है फिर वो हर जगह मदद मांगता रहता है जीवन भर, क्योंकि उसकी एक जरूरत थोड़ी पूरी हुई, एक नहीं हुई तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, यहाँ नहीं चाहे हुआ, मिलने के लिए वो अलग अलग लोगों के पास जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसके मन में क्या, मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है। तो हमारे जीवन का सेंट्रल थीम क्या है, जैसे ये गीता का सेंट्रल थीम क्या है कि भाई वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये जानने वाला व्यक्ति महात्मा है,
कि सृष्टि को चलाने वाला एबेंडेंट है, उसके पास इतनी शक्तियां है, इतनी सामग्री है कि आपको भर देगा। इसलिए अबंडेंट माइंडसेट तभी होगा जब आप रिसोर्स या उस व्यक्ति से कनेक्ट करोगे जो इसका कंट्रोलर है। और यहाँ पर वही बताया गया इस श्लोक में कि अरे उससे कनेक्ट करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपकी स्टोरी बदलनी पड़ेगी। इसलिए देखो हमारे यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में रोज भागवतम क्लास की होता है, उसका कारण ये है कि हमको स्टोरी बदलनी है, हमको नरेटिव बदलना है। बिना नरेटिव बदले न तो आपके फिजिकल हेल्थ में सुधार आएगा, न तो मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा, आपकी स्टोरी गलत है। इसलिए आज लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है पता है आप जानते हैं? आज लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्टोरी टेलिंग। अगर लीडर को स्टोरी क्रिएट नहीं करते आती, उसको प्रेजेंट नहीं करते आता, तो आज ये मानकर चला जाता है कि ये लीडर आगे चलकर अनसक्सेसफुल बनेगा। इस पर कई सारे रिसर्चर्स हैं। और देखिए हमारे यहाँ पर पंचतंत्र करके एक स्टोरी, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन ये जो पंचतंत्र स्टोरीज है ना, इसका थीम ही है, ये सेंट्रल थीम है कि राजा के दो बेटे होते हैं, और रियल है ना, ये रियल स्टोरी है, राजा के दो बेटे, लेकिन वो पढ़ते नहीं, जो भी टीचर आता है उसको भगा देते हैं। तो एक शर्मा करके एक पंडित होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है, और राजा कहते हैं कि भाई इनको तुम सिखाओ, तुमको जो चाहिए वो मिल जाए। तो कहते ठीक है। तो वो ये देखता है कि पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको राजनीति सिखानी है, तो वो ऐसे स्टोरीज के कई सेट बनाते हैं जिससे मॉरल्स और लेसन मिलते हैं कि भाई ये एथिक्स है और ये लेसन से सीख रहे हैं। और वो स्टोरी से उन दोनों बच्चों को ऐसे ट्रेन करता है, ऐसे ट्रेन करता है कि आगे चलकर वो दोनों बहुत बड़े राजा बनते। स्टोरी का अपना एक प्रभाव होता है, क्योंकि स्टोरी का एक सेंट्रल थीम है। हम रोज क्यों भागवत सुनते हैं मंदिर में बैठकर, उसका सेंट्रल थीम है कि भाई मुझे मेरे स्टोरीज को बदलना है, मेरे नरेटिव्स को बदलना है। और जब तक नरेटिव्स नहीं बदलेंगे, लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। हम लोग एक बहुत फेमस स्पीकर है इंडिया के, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे हम कनेक्ट थे, तो बात कर रहे थे हम लोग, तो वो हमेशा है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करते, बहुत उनका पकड़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करते कई सारी चीजें। तो हमने पूछा कि भाई आप ये इतनी सारी बातें करते हैं, इसका थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? अब वो व्यक्ति उसके एक सिटिंग के लिए लाख रुपया चार्ज करता है, आप सोचिए, अगर पर्सनल काउंसलिंग चाहिए ना 5 लाख रुपए फी है उसका। ऐसे ऐसे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, सोचिए। तो उसने कहा प्रभु जी, सेंट्रल थीम मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एक लाइन में अगर कोई कहूँ, जिस व्यक्ति की स्टोरी अच्छी नहीं है, जिस व्यक्ति का नरेटिव अच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, उसके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, करेगा भी तो बहुत थोड़ा करेगा, और हुआ भी तो वापस उसकी स्थिति गरीबी वाली हो जाएगी, क्योंकि वो स्टोरी पर चलता है। ये कौन बोल रहा है जो व्यक्ति हजारों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है? तो गीता में हम यहाँ पर बैठकर आपको फ्री में सिखाते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं सही है क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। ये वो व्यक्ति जिसने खुद के डेवलपमेंट पर 70 लाख रुपए खर्च किए, 70 लाख, समझते हैं आप क्या होता है आज, तभी तो इतना चार्ज करता ना, 5 लाख 10 लाख, क्योंकि उसने उसने महारत हासिल की है उसमें। उसका कहना यही था कि भाई मैंने मेरी स्टोरी को बदला पहले। जब उसने स्टोरीज बदली, अंदर का जो वातावरण मन का बदला, तब वो कहा कि मुझे जो चाहिए वो फिर मुझे मिलने लग गया, और मैं आज वो लोगों को सिखाता हूँ। तो उसके 21 दिन का प्रोग्राम होता है, उस 21 दिन के प्रोग्राम में वो लोगों को पहले अंदर की साफ सफाई सिखाता है, अंदर की स्टोरी बदलना सिखाता है। योगिता माता जी, तुमका माइक चालू है, तुमका माइक बंद करा। तो ये स्टोरी बदलना बहुत जरूरी है, स्टोरी स्टोरी समझिए आप, ये सेंट्रल थीम है। तो जब तक ये सेंट्रल थीम नहीं बदलेगी, जब तक ये स्टोरी नहीं बदलेगी, आप रूटीन लाइफ की तरह जीते रहेंगे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, और पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मुद्दा क्या है ना, मुद्दा ये है कि वासनाएं कभी खत्म नहीं होगी, शांत नहीं होने वाली, और वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण संसार चालू रहेगा।
और इस संसार की सेंट्रल थीम क्या है? इस संसार की सेंट्रल थीम आज बाहर वाले लोग क्या बताते हैं? तुम हो सेंट्रल थीम, हम है ही नहीं। ये सेंट्रल थीम इस श्लोक में बताई गई, वासुदेव सर्वमिति। आपको अबंडेंट होना है तो भी वासुदेव सर्वमिति सेंट्रल थीम होनी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो भी आपको वासुदेव सर्वमिति वही सेंट्रल थीम होगा। इस दुनिया की सेंट्रल थीम हम नहीं है, और ये हमको सुनना पसंद नहीं आता है, ये हमको बहुत कड़वा लगता है। इसे लोग अध्यात्म में आते नहीं, बाहर 5-5 लाख रुपया क्यों भरते लोग? क्योंकि वो बताते हैं तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम ये करो, तुम ये अट्रैक्ट करो, तुम सक्सेस अट्रैक्ट करो, तुम लोगों को अट्रैक्ट करो। सेंट्रल थीम हम नहीं है, वासुदेव सर्वमिति। इस दुनिया की सेंट्रल थीम वासुदेव कृष्ण है। इसीलिए हमको क्या है ना कि नित्य रूप से भगवत कथा सुननी चाहिए, ताकि हमारा नरेटिव बदले, हमारा स्टोरी बदले। ये स्टोरी बदलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए हम रोज भागवत कथा क्यों सुनते? कि वो नरेटिव बदलता है, हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय क्लियर होता है। वरना मनुष्य जीवन देखिए, इस ये कर्म योनि है, ऊपर और नीचे भोग योनि है। यहाँ पर जो कर्म करेंगे वही ऊपर या नीचे भोगने, अलग से कुछ नहीं है। और ये यहाँ पर कर्म के फल इतने बनते हैं, इतने बनते हैं कि ऊपर नीचे हजारों बार जाने के बाद भी नहीं समाप्त होते, और घूम फिर कर फिर यही आते हैं हम लोग। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया का सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। जो व्यक्ति समझ गया वो दुर्लभ व्यक्ति बन गया। ठीक है, अब हम दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछिए हमको। तो ये दो स्टोरीज जो है वो मैं, एक भगवान शंकर की स्टोरी आपको बताऊंगा और एक उपनिषदों से स्टोरी है जो कि फेमस स्टोरी है, लेकिन उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से हम सुनेंगे आज। तो एक जगह की बात है, ये पुराणों में स्टोरी आती है। तो वहां पर एक बहुत पुरातन शिवलिंग था। तो वो पुरातन शिवलिंग जो है वो अब क्या होता है, बीच बीच में देखो लोग मंदिर तो बनाते, लेकिन कोई पुजारी होता है, कभी नहीं होता। तो ऐसे ही वो मंदिर पड़ा हुआ है, भगवान शंकर का पुराना मंदिर है। तो वहां पर एक स्पाइडर है ना, स्पाइडर होता है। तो स्पाइडर देखते हैं मंदिर टूटा है, ये शिवलिंग ऐसे ही है। तो उसकी मन में, वो भगवान शंकर का भक्त है वो स्पाइडर अभी, तो उसकी इच्छा है कि मैं भगवान शंकर के लिए नया अच्छा सा मंदिर बनाऊं। तो अब उसके लिए मंदिर कैसे बनाएगा? थोड़ी मिट्टी का बनाएगा, ईंट मिट्टी का थोड़ी बनाएगा। वो अपने जाले से वहां पर शिवलिंग को कवर कर देता है एकदम बढ़िया तरीके से। वो अपने जाल से क्या करता है, उस शिवलिंग को ढक देता है ताकि वहां पर कुछ नहीं, अभी वो उसकी शक्ति है, बेचारा उतना करता है। अब ये उसकी सोच है ना, उसकी स्टोरी है कि भाई मैं मेरे जाल से शिवलिंग को मंदिर बना दूंगा, एक ढक दूंगा उसको। उसकी स्टोरी है, उसका नरेटिव है। अब होता क्या, वो बनाकर चला जाता है, उसकी सेवा हो गई भगवान शंकर की, चला गया। उसके बाद वहां पर रोज एक हाथी आता है, तो वो हाथी भी भगवान शंकर का भक्त है। तो वो भगवान शंकर का भक्त है तो उसको भी लगता है कि भाई मैं भी सेवा करना चाहता हूँ भगवान शंकर की। तो वो क्या करता है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग है वो देखता है, इधर तो किसी ने जाल बिछा कर रखा है, तो खराब होता है जाल। हम हमारे घर में मकड़ी का जाल निकाल देते हैं ना, फेंक देते ना उसको। उसको लगा खराब, वो पानी भरकर लाता है उसकी सूंड में, और तुरंत क्या करता है, वो उस पानी के फव्वारे से वो जो जाल रूपी जो मंदिर बना है वो तोड़ देता है। उसको लगता है साफ हो गया, क्योंकि वो उसका स्टोरी है, उसका नरेटिव है, दोनों के नरेटिव अलग अलग है। अब उसने उस नरेटिव के हिसाब से, यहाँ इसने जाल बिछा कर मंदिर बनाया, इसने पानी डालकर मंदिर तोड़ दिया, क्योंकि अपनी अपनी स्टोरी है। तो रोज वो मकड़ी जाल बनाती है, मंदिर बनाती है, ये रोज आता तोड़ देता। तो वो मकड़ी को आता है गुस्सा, वो मकड़ी देखती है ये आज छुप कर देखूंगी कौन है, और वो देखती है तो उसको पता चलता है हाथी है। तो मकड़ी को आता है बहुत गुस्सा। तो मकड़ी क्या करती है, वो जब ये पानी फवारा छोड़ता है, उसका जाल हटा देता है शिवलिंग से, तो वो जैसे पानी खत्म होता है वहीं पर पास में सूंड के पास में खड़ी रहती है, और उसके नाक में घुस जाती है, और उसको नाक में इतना पीड़ा करती है, इतनी पीड़ा देती है कि ये हाथी पागलों की तरह करने लगता है, यहाँ वहां घूमते घूमते। तो उसका उसकी मृत्यु हो जाती है, हाथी भी मर जाता है, मकड़ी भी मर जाती है। अब ये जो मकड़ी है, ये मकड़ी बाद में आगे चल, ये दोनों हाथी और मकड़ी आगे चलकर कैलाश में भगवान शंकर के भक्त के रूप में जन्म लेते हैं। अब जब ये मकड़ी जो है ये
कैलाश में जन्म लेता तो उसका नाम होता है माल्यवान। अब ये जो माल्यवान है ये माता पार्वती की बहुत सेवा करता। ठीक से सुनिए, ये श्लोक से कनेक्टेड है स्टोरी। वो माता पार्वती की सेवा करता है और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती है। माता पार्वती उसको पूछती है, बेटा क्या चाहिए तुमको? तब वो कहता है कि मुझे माता, मैंने भगवान शंकर से मोक्ष के बारे में सुना है, तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। कौन है जो व्यक्ति मुझे मोक्ष प्राप्त करा कर दे सकता? तो माता पार्वती एक लाइन में आंसर देती है, बोले इस दुनिया में किसी का सामर्थ्य नहीं है मोक्ष देने के लिए, एक भगवान नारायण छोड़कर। सीधा वो कह देती। तो माता पार्वती उसकी सेवा से इतनी प्रसन्न है, बोलती है कि तू चिंता मत कर, आगे चलकर अगले जन्म में तू शुभ देवन और कमलावती इनके घर में जो राजा होंगे, पांड्या पांड्या जो राजा है वहां पर, पांड्या जो कुल है वहां के जो राजा है उनके घर में तू जन्म लेगा। माता पिता का नाम होगा शुभदेवन और कमलावती। तो ये जो कमलावती और शुभदेवन के घर पर तुम जब जन्म लोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये पूर्ण प्रयास करूंगी कि तुमको उसी जन्म में मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो खुश हो जाता है, अगले जन्म में वो शुभदेवन और कमलावती के घर जन्म लेता है। तो कमलावती जब प्रेग्नेंट है तो कमलावती अभी उसकी प्रेगनेंसी का टाइम एकदम पास आ गया, और अब आखिरी दिन जब उसको पीड़ा शुरू होने लगती है, अब जी मैं माता जी ते कैमरा नहीं माइक बंद करा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो जब उनको वो, अब वो माता जी को प्रेगनेंसी है, अभी लास्ट मोमेंट में उनकी प्रेगनेंसी है, तो उनकी प्रेगनेंसी अभी उनको बच्चा होने वाला है कुछ समय में। उस समय भगवान शंकर एक ज्योतिष, एक ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं, और जब वो ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं तो उस वो जो माता जी है वो कमलावती जो रानी है उसको कहते हैं कि अगर तुम और एक मुहूर्त माने 48 मिनट तुम अपनी प्रेगनेंसी को रोक कर रखोगी तो तुम्हारा जो बच्चा है वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत शक्तिशाली होगा और बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब कौन मां नहीं चाहती मेरा बच्चा ऐसा हो? तो वो बोले कैसे रुकूंगी, अभी तो कुछ ही समय में बच्चा बाहर आएगा। तो वो कहती कि ठीक है आप क्या करो, मुझे उल्टा लटका दो ताकि प्रेशर नीचे जाता है ना शरीर में स्त्रियों के, तो वो कहती उल्टा लटका दो। तो 48 मिनट उसको उल्टा लटका कर रखते, और जब एक मुहूर्त हो जाता है तो उसको निकालते, और जैसे निकालते तो बच्चा जन्म लेता। अब वो इतनी थकी है, वो थक गए सो गई। जब वो जागती है, वो जागती जब है तो वो देखती है कि ये बच्चे की आंखें इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, लाल लाल एकदम हल्की लाल कलर की, जैसे सनराइज होता है ना वैसे उस कलर की आंखें, इतनी सुंदर है कि वो देख देख कर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है उस माँ को कि बच्चे की आंखें भगवान विष्णु की आंखों की तरह है। वो देखती इतनी सुंदर आंखें, और उन आंखों को देखते देखते रोते रोते भगवान विष्णु का स्मरण करते करते वो वही शरीर छोड़ देती है उसकी माँ, वो बच्चे के लिए भगवत धाम चली जाए। अब ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा भक्त बनता है। अब इसको तो पिछले जन्म की, इसकी देखिए पिछले जन्म की स्मृतियां देखिए, उसके लिए भगवान शंकर की सेवा इतनी नेचुरल होती कि बचपन से भगवान शंकर की सेवा शुरू कर देता है। अब जब वो भगवान शंकर की सेवा शुरू कर देता है तो जब वो राजा बनता है तो राजा बनने के पश्चात वो कई सारे युद्ध लड़ता है, और ये इतने जो भी युद्ध लड़ता है 70 युद्ध लड़ता है, और जब जब एक युद्ध लड़ता है जीतता है तो भगवान शंकर के लिए नया मंदिर बना, नया 70 नए मंदिर बनाया ये एक राजा। तो ये मंदिर कैसे बनाता था? पहले सीढ़ी फिर प्लेटफॉर्म, सीढ़ी फिर प्लेटफॉर्म, सीढ़ी फिर प्लेटफॉर्म। तो सब लोग उनको पूछते थे कि भाई आप ये ऐसा क्यों बनाते हैं? तो आप देखिए हम जो स्टोरी शुरू किए थे ना, मकड़ी और हाथी, और ये कौन है? ये मकड़ी है। तो हाथी की आदत क्या है, वो चढ़ नहीं सकता, उसको थोड़ा प्लेटफॉर्म लगता है। तो हाथी भले कुछ स्टेप चढ़ जाए एक बार तो, लेकिन उसको जैसे जैसे ऊपर जाके चढ़ना नहीं होता, तो
इसने जानबूझकर बनाया था कि कोई हाथी मंदिर में प्रवेश न करे। मकड़ी के जीवन की स्मृति उसके पास अभी भी है। सोचिए, एक मकड़ी का जीवन, उसकी स्मृतियां उसके पास अभी भी है। वो हाथी अंदर मंदिर में न घुसे, मेरे शंकर का मंदिर है, वो कोई हाथी नहीं घुसे। तो वो स्टेप फ्लैट स्टेप बनाता है, 70 युद्ध जीतता है, 70 मंदिर बनाता है। लेकिन 71वां जो युद्ध है वो बहुत भयंकर होता है, और उस युद्ध में वो हार जाता है। हारने के बाद इतना मायूस हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है। फिर से क्या मुद्दे को याद रखिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, आज के श्लोक से कनेक्ट है। तो वो वही एस्ट्रोलॉजर भगवान शंकर, वो साधु बनकर आते हैं, ब्राह्मण बनकर आते हैं। तो वो उनको पूछता है कि मैं तो ये युद्ध हार गया, मैं क्या करूं? तो कहते हैं आप भगवान श्रीनिवास, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और आपको यश प्राप्त हो जाएगा। तो जाता है तिरुपति बालाजी, भगवान श्रीनिवास की पूजा करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान उसको एक तलवार देते हैं, बोलते ये तलवार तू जहां जा इस्तेमाल करेगा, तू कभी हारेगा नहीं। और वो बहुत युद्ध लड़ते हैं उस तलवार के सहारे, बहुत यश ऐश्वर्य मिलता है, और अंत में भगवान विष्णु का स्मरण करते करते वो अपने शरीर को त्याग देता है और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आदि गुरु है भगवान शंकर, उन्होंने क्या कहा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तुम भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजा करो, तुम उनके नाम का जप करो, तुम उनकी सेवा करो। ये कौन बता रहा है? भगवान शंकर बता रहे। माता पार्वती ने उसको आश्वासन दिया था कि मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुझे भगवान विष्णु से कनेक्ट करवाऊंगी, और भगवान शंकर के माध्यम से उसको कनेक्ट करवाया, हो गई मुक्ति। क्यों? सेंट्रल थीम, स्टोरी क्लियर है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। और एक आखिरी स्टोरी आज हम आपको सुनाएंगे। देखिए, ये नचिकेत नाम के एक ब्राह्मण पुत्र की कथा, फेमस, बहुत फेमस कथा है, लेकिन इसका अलग पहलू आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो नचिकेत है, ये इसके पिता का नाम है वाजश्रव। अब आप अगर पुराणों में पढ़ोगे तो ये वाजश्रव नाम के जो ब्राह्मण, इनकी कई स्तुतियां भी गाई गई है, बहुत फेमस ब्राह्मण है, वेदवित्त ब्राह्मण है ये। तो इनके बेटे का नाम नचिकेत है। अब ये जो नचिकेत है, ये होशियार भी बहुत ज्यादा है, हाँ, हालांकि ब्राह्मण का बच्चा है, बहुत होशियार भी है। तो इसके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में दान देना जरूरी होता है, माने आपने कथा की दान देना जरूरी, घर पर कीर्तन करने को आया, दान देना जरूरी, बिना उसके आपका फलित नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो वो दान देते हैं, लेकिन दान में ना बूढ़ी गाय देते हैं, बूढ़ी। तो वो लड़का देखता है नचिकेत, तो उसके पिताजी को जाकर पूछता है, पिताजी दान में अच्छी गाय देनी होती है, ये गाय इतनी बूढ़ी है कि कब मर जाएगी पता नहीं चलेगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूँ, अच्छी गाय भी दे रहा हूँ और जो बूढ़ी है वो भी दे रहा हूँ। तो वो लड़के को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है तो फिर कल क्या मुझे भी दे दोगे आप? तो पिता को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो उस समय वो उनके मुख से निकल जाता है कि मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। तो जैसे ही बोले, दूसरे क्षण ये यमराज के लोक में पहुंच गया ये लड़का। तो सिक्योरिटी गार्ड डर गया, बोले कौन है? तो बोले मेरा नाम नचिकेत है। बोले क्यों आया? बोले मेरे पिताजी ने यमराज को डोनेट कर दिया। तो वो गार्ड बोलता है कि भाई यमराज तो इधर नहीं। बोले कहाँ गए? बोले राउंड मारने गए नरक का। कितना दिन लगेगा? बोले 3 दिन लगता है एक राउंड मारने के लिए, सब सब डिपार्टमेंट को विजिट देने के लिए 3 दिन लगता है यमराज को। तो 3 दिन क्या करें? बोले रुको, जब तक वो नहीं आएंगे तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो 3 दिन नचिकेत गेट पर खड़ा रहता। अब 3 दिन के बाद जब यमराज उनका टूर लेकर आते हैं नरक का, तो वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वो पूछते कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो कहते मेरे पिताजी ने आपको दान किया है। बोले कब से खड़े हो? बोले 3 दिन से मैं खड़ा हूं। अब जैसे ही वो ये पूछते, ये सुनते हैं कि भाई 3 दिन से तुम यहाँ पर खड़े हो, तो उन्होंने उनको पूछा कि तुमने कुछ खाया? तो बोलता है हाँ। बोले क्या खाया 3 दिन? तो कहता है पहले दिन मैंने आपके सारे जो आने वाले जो वंशज है उनको खा लिया, दूसरे दिन आपके सारे वाहनों को खा लिया, और तीसरे दिन आपके पुण्य को खा लिया। मुद्दे की बात सुनिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है
और अगर आप मेहमान की अच्छे से खातिरदारी नहीं करते, अच्छी खातिरदारी मैंने ये जरूरी नहीं वो काजू पिस्ता बादाम खिलाओ, नहीं, जो भी आपकी हैसियत है, नहीं कुछ कर पाए, अच्छे शब्द अगर आप नहीं बोलोगे तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो खाली हाथ गया है, उसको नेचर आपके पुण्य देकर भेजेगा, भगवान उसको आपके सारे पुण्य देकर भेजेगा बाहर, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पुण्य सारे निकल गए। इसलिए अतिथि का महत्व बहुत है, कुछ नहीं कर सकते, प्रेम से बात करो, एक गिलास पानी पिलाकर छोड़ दो, उतना तो पक्का करना है, नहीं तो वो आपके सारे पुण्य लेकर जाएगा, सारे वाने सारे नहीं, बट कुछ हिस्सा तो निश्चित रूप से वो लेकर जाता है आपके पुण्य का। तो अतिथि आया और यहाँ पर यमराज जी ने तो उधर डर जाते रहे, नहीं नहीं बोले ऐसा मत कुछ करो, आपको आप मुझसे 3 वरदान मांग लो। तो वो कहता है ठीक है, पहला वरदान ये दो कि जैसे मैं नीचे जाऊँ वापस मेरे पिता मुझे स्वीकार कर, आनंद ठीक बताओ। अरे सॉरी, दूसरा वरदान वो मांगता है कि आप मुझे पंचाग्नि विधि सिखाइए। पंचाग्नि विधि माने 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो आपके सारे पापों को जला देते हैं, तो पंचाग्नि, तो बड़े डिटेल में सिखाते हैं उसको यमराज। और तीसरा वो बताते हैं तीसरा वो बताते हैं कि मुझे मोक्ष की विधि बता सिखाओ, मोक्ष की विधि भी सिखाओ और मुझे ये बताओ कि मोक्ष कौन दिला सकता है। तो यमराज कहते हैं भाई दुनिया में किसी में ताकत नहीं है मोक्ष देने की, एक भगवान नारायण को छोड़ के, जो भगवान शंकर ने बताया वही यहाँ पर यमराज बता रहे। तब वो नचिकेत पूछता है कि अगर भगवान नारायण ही मोक्ष देने वाले हैं तो कैसे उनको हम समझें, जो समझना पड़ेगा ना व्यक्ति को। तो अब वो जब उन्होंने पूछा कि भगवान नारायण कौन है, कैसी उनकी शक्ति है, क्या करते हैं, तब अब ये उदाहरण देते कौन, यमराज। यमराज नचिकेत को उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दही भात खाता है ना, तो दही भात का टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार इस्तेमाल किया जाता है तीखा वाला, क्योंकि ये फीका होता है ना, तो थोड़ा तीखा अचार खाते हैं। साउथ इंडिया में जाओ आपको यही दिखेगा, बहुत प्रेम से खाते दही भात और अचार। तो दही भात की तुलना यमराज संसार से करते और अचार की तुलना खुद से करते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान विष्णु सारे संसार को दही भात की तरह खाते हैं और मुझे बीच बीच में जैसे आचार को चाटा जाता है ना, वैसे यमराज को वो खाते हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। माने भगवान विष्णु की इतनी शक्ति है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, उन सृष्टि उन्हीं ने चालू की, वही मेंटेन करेंगे, वही उसका विनाश करेंगे। सोचिए जो यमराज को आचार की तरह खा सकता है उसकी क्या शक्ति होगी। तो नचिकेत यहाँ पर जब ये सुनता है कि भाई यहाँ पर यमराज को आचार की तरह खाया जाता है तो वो डर जाता है, और जब वो डर जाता है तो पूछता है कि तो भगवान विष्णु सबको ऐसे ही खा जाते हैं। तो बोलता है नहीं, तुम्हारी सोच समझ में गलत है, तुम्हारी स्टोरी गलत है, तुम्हारी स्टोरी का लेसन गलत चला गया, तुमने स्टोरी के लेसन को गलत तरीके से सीखा। बोले तो वो अभी वो स्टोरी को बदलते हैं, उन्होंने जो स्टोरी को समझा है वो स्टोरी को बदला जाएगा। तो उसको अलग पर्सपेक्टिव देते, एक अलग नजरिया देते, एक अलग दृष्टिकोण उनको देते हैं। तो क्या दृष्टिकोण दिया, बहुत सुंदर है, क्योंकि उसका डर क्या था कि भाई भगवान विष्णु दाल चावल की तरह हमको भी खा जाएंगे क्या। तब यमराज बताते हैं कि भगवान जब संहार करते, समाप्त करते हैं किसी चीज को, संसार को, शरीर को, वासनाओं को, तो भगवान के संहार में ही संरक्षण है। भगवान जब विनाश करते हैं उस विनाश में ही संरक्षण होता है। जैसे इस सृष्टि का जब प्रलय होता है, प्रलय के समय क्या होता है, सारे शरीर नाश हो जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, जो भी स्थूल चीज है उसको सूक्ष्म में कन्वर्ट कर देंगे, शरीर तो ऐसे भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन बची हुई जो वासना है वो सूक्ष्म रूप में क्या होती है, भगवान नारायण कहते तू अभी आराम कर ले, ये जो तेरी पूंजी है ना, ये तेरी वासना रूपी पूंजी है ना, इसको मैं मेरे पास रखूंगा और जब नई सृष्टि होगी तो इसको तुझे वापस दे दूंगा, फिर से तू खेलने चलेगा। बाहर से उसका संहार दिखा लेकिन उनका प्रेम देखिए, अब तो भगवान ये नहीं देखते कि इसकी वासना खराब है कि अच्छी, जो भी पूंजी है उसको भगवान कहते मेरे पास रख लूंगा, तू जब बाहर निकलेगा नई सृष्टि के समय तुझे वापस दे दूंगा। मैंने सोचिए वो व्यक्ति को हमसे कितना लगाव है,
हालांकि बाहरी रूप से दिखाएगा कि संहार खत्म, नहीं, भगवान कहते हैं जो जिस कारण से तू वापस आना चाहता है वो कारण मैं छुपा कर रख लूंगा, आने के बाद तुझे वापस दे दूंगा, तू तेरा खेल फिर से शुरू कर। तो उनके संहार में ही संरक्षण है। तो वो स्थूल को क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप में परिणित करके अपने अंदर, अपने पेट में, बच्चे को भी पेट में रख लिया, उसकी वासनाओं को अपने मन में रख लिया, बाद में उसको वापस दे देंगे, चाह बेटा तो अभी खेल वापस। क्यों? क्योंकि भगवान का हमसे देखिए कितना प्रेम है। तो हमको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, यमराज क्या बता रहे हैं कि भगवान बाहरी दृष्टिकोण से तो संहार करते हैं, लेकिन अंतर में क्या है, जो जीव की इच्छा है उसके अनुरूप भी भगवान करते हैं। और जब जीव खुद होकर कहता है कि नहीं मुझे अभी ऐसा कुछ दो जिससे मेरी वासनाएं उत्पन्न न हो, जो है वो भी समाप्त हो जाए, तब भगवान उसको भक्ति के जीवन का अधिकारी बनाते हैं। और जब वो भक्ति के जीवन का पालन करता है, स महात्मा सुदुर्लभा, उसकी सोच क्लियर हो जाती है, जैसे यमराज की सोच क्लियर थी, भगवान शंकर की थी, माता पार्वती की थी, वैसे उसकी सोच क्लियर हो जाती है, और इस भौतिक बंधन को छोड़कर वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे नरेटिव्स को चेंज करना होगा। गीता का नरेटिव क्या है, वासुदेव सर्वमिति। हमारा और रोल यहाँ नहीं है, यहाँ पर कृष्ण का रोल है, यहाँ हम अनुभव लेने आए हैं, और अनुभवों की ये जो राशि है इसको समाप्त करना है, उसके लिए नाम जप और भागवत श्रवण हमारे स्टोरी को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। जब स्टोरी बदल जाएगी, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, जैसे यमराज ने नचिकेत को दिया, और जैसे ही नजरिया बदल जाएगा फिर हम स्केयरसिटी से अबेंडेंस में आ जाएंगे, कमी से प्रचुर मात्रा में आ जाएंगे, और जो चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगा, जो मिला है वो और बढ़ेगा, और वो बढ़ाने का काम आगे चलकर कृष्ण कहेंगे, योग क्षेमम वहामि अहम, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। कोणाला काही प्रश्न, आजच्या क्लासला घेऊन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी रोज की हा एक विचार करतो सेशनचा आपल्यावर की मी खूप भाग्यशाली आहे की एवढं शुद्ध गीतामृत मला श्रवण करायला मिळतं दर सोमवारी, आणि अरे आज परत तेच वाटतंय मला की मी खूपच भाग्यवान आहे की इतके छान नरेटिव्ह ऐकायला मिळतात गीतामृतचे, आणि आज अरे अजून असं मन सगळं शरीर म्हणजे आत्मा शुद्ध झाल्यासारखं वाटतंय इतकं अरे पवित्र तुमच्या ऐकून। हो प्रार्थना ठेवा आम्हाला फक्त। प्रभुजी खूप खूप यस यस करेक्ट, दंडवत प्रणाम। आणि प्रभुजी धन्यवाद। अजून एक मला विचारायचं होतं, मला हे माहित नव्हतं की 84 ला योनीमध्ये भूत 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 सुद्धा आहे। हॅलो, हाँ हाँ बोल ना, आवाज येतो हो। हाँ मला हे माहित नव्हतं की 84 लाख योनी मध्ये भूत सुद्धा आहे। हो, तिसऱ्या स्कंदात येतो भागवत आमच्या।